यह माना जाता है कि फिल्म एक्टर्स को फिल्मों में आने की इतनी जल्दबाजी होती है कि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करना जरूरी नहीं लगता है, जिससे अक्सर उन पे उनके शैक्षिक योग्यता के सवाल उठाए जाते हैं। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अनन्या पांडे से भी उनके एडुकेशन को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पिक शेयर किया है जहां वो अपने एडुकेशनल सर्टिफिकेट्स के साथ बैठी हैं। और इस तस्वीर के साथ अनन्या ने लिखा है कि मैं ये नहीं करना चाहती थी, मुझे ये कभी नहीं लगा था कि मुझे खुद को साबित करने के लिए ये सब करना पड़ेगा, लेकिन यूएससी में मेरे फेक एडमिशन की अफवाह अब मेरे आसपास घूम रही है, जिससे मेरे परिवार और दोस्तों को भी गुजरना पड़ रहा है। वहीं अनन्या ने ये भी लिखा है कि जो लोग मुझे नीचे ढकेलना चाहते हैं उन्हें ढेर सारा प्यार, और जो लोग मेरे क्लासमेट्स होने का दावा कर रहे हैं वो असल में मेरे क्लासमेट्स नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे सहयोगियों के साथ पली बड़ी नहीं हूँ। इसके अलावा अनन्या पांडे के क्रश के बारे में भी अक्सर उनसे पूछा जाता है और वो कार्तिक आर्यन का नाम बिना हिचकिचाए लेती हैं। वहीं वो वरुण धवन को भी बहुत पसंद करती हैं और उनका कहना है कि बड़े पर्दे पर अगर उन्हें कोई स्टीमी सीन करने होंगे तो वो वरुण धवन के साथ करना चाहेंगी, क्योंकि वरुण उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा अनन्या की अगली फिल्म पति पत्नी और वो 2 है, जहां कार्तिक आर्यन और भूमि पेडनेकर उनके को एक्टर्स हैं।